ऑटो में थोड़ा अभी बाहर इस वजह से थोड़ा आवाज़ आ सकता है सब यहाँ पे गाड़ी का, लेकिन दार्जिलिंग का पॉलिटेक्निक का जो आप लोग फॉर्म फिलअप किए थे 100 बॉकलेट में एडमिशन के लिए, उसका जो मेड लिस्ट पब्लिश हो गया फास्ट अलॉटमेंट लिस्ट, तो उसको कैसे चेकअप करने का आपको जो एडमिशन का मौका मिलेगा उसके बारे में पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को देखते रहिए। तो ऑफिशियल वेबसाइट के आने के बाद नीचे जाना है जहाँ पे आपको ऑल नोटिस का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑल नोटिस पे सिंपली क्लिक करने के बाद फिर से नेक्स्ट पेज पे आपको आ जाना है जहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा एक क्या बहुत सारा ऑप्शन दार्जिलिंग मिरिक और कालिम्पोंग तीनों पॉलिटेक्निक कॉलेज का जो है आपका लिस्ट यहाँ पे निकल गया है सेकेंड ईयर एडमिशन और फर्स्ट ईयर एडमिशन दोनों का। तो मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं दार्जिलिंग पॉलिटेक्निक जो कि कार्शियंग में है उसका मेरिट लिस्ट निकल गया, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और आपके सामने जो है पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, कुछ इस तरह एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा जहाँ पे देख सकते हैं दार्जिलिंग पॉलिटेक्निक कार्शियंग एडमिशन 2022 मेरिट एंड अलॉटमेंट लिस्ट फॉर फर्स्ट ईयर एडमिशन। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे आपका जेंडर, यहाँ पे आपका कास्ट कैटेगरी, आपका हिल एसडी या फिर सिलीगुड़ी से सब डिवीजन वो देख सकते हैं, आप कौन सा चॉइस फिलिंग किए थे वो यहाँ पे देख सकते हैं, और जिस सीट में आपका अलॉटेड हुआ है कॉन्फर्म वो यहाँ पे देख सकते हैं, जो रेड कलर का है यहाँ पे फाइनल अलॉटमेंट ब्रांच वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसा करके जो है आपको यहाँ से चेकआउट कर लेना है, आपका नाम इस लिस्ट पे एक ही नहीं टोटल 12 पेज है, यहाँ पे 12 पेज है, इनमें से सारा पेज को आपको एक से बारीकी से आपको चेकआउट कर लेना है, ठीक है। और बॉकलेट का नीचे है, बॉकलेट का आपको दिख जाएगा नीचे यहाँ पे देख सकते हैं जो बॉकलेट कैंडिडेट अप्लाई किए थे यानी कि सेकेंड ईयर में उसका नीचे यहाँ पे लिस्ट आया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जो है देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है यहाँ पे मेरिट एंड अलॉटमेंट लिस्ट फॉर सेकेंड ईयर एडमिशन लेटर आर एंट्री, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ये भी सेकेंड ईयर का लिस्ट है, तो ऐसा करके आप लोग लिस्ट चेकआउट करने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का यहाँ पे लिस्ट आपको दिख जाएगा। चलिए यहाँ पे बोलते हैं किस दिन को आपको वेरिफिकेशन करना है, एडमिशन के लिए कहाँ जाना है और कैसे क्या करना है सारा कुछ डिटेल्स बोल देते हैं, वीडियो में बने रहिए। तो आपको देखने के लिए डेट सारा कुछ डिटेल्स तो यहाँ पे आ जाना है, आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको फिर से दिख रहा होगा दार्जिलिंग पॉलिटेक्निक कार्शियंग एडमिशन 2022 मेरिट कम अलॉटमेंट लिस्ट, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं और उसके नीचे फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है इस वाला आप पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे पूरा डेट आपको दिख जाएगा कि कौन सा डेट में क्या एडमिशन होगा, तो इसमें जैसे क्लिक करेंगे फिर से पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा आपके सामने। तो ऐसा करके एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 तारीख को आपका जो है मेरिट लिस्ट पब्लिश हो गया फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर, और 5 सितंबर से लेके 7 सितंबर के बीच में 3 दिन आपको टाइम मिल रहा है दार्जिलिंग पॉलिटेक्निक जो कि कार्शियंग में है, कार्शियंग में जाकर आपको फिजिकली आपका वेरिफिकेशन करना है और एडमिशन भी हो जाएगा सुबह 10 से दोपहर के 4 बजे तक आपको जो है रिपोर्टिंग टाइम है उसके अंदर आपको जाना है। तो जो भी कैंडिडेट का फर्स्ट अलॉटमेंट का जिसका भी नाम आया जेक्सपो बॉकलेट दोनों कैंडिडेट यानी कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी अप्लाई किए थे कार्शियंग पॉलिटेक्निक में, तो उसके लिए यहाँ पे आपका रिपोर्टिंग टाइम है 5 सितंबर से 7 सितंबर तक सुबह 10 से 4 बजे तक आपको जाना है, और सेकेंड लिस्ट जो पब्लिश होगा वो होगा 10 सितंबर 2022 को, ठीक है। और एडमिशन के लिए आपको पैसा कितना चाहिए एप्लीकेशन यहाँ पे देख सकते हैं 500 रुपीज़ चाहिए रिपोर्टिंग के समय, और एडमिशन फी जो आपको चाहिए 1300 रुपये एट द टाइम डिपोजिट करना है आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए यहाँ पे जो है सेम है। अगर आपने अगर मिरिक गवर्नमेंट में अप्लाई किए थे मिरिक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में तो इसके लिए आपको ये वाला लिस्ट डाउनलोड कर लेना है, तो यहाँ पे आपका मिरिक गवर्नमेंट का फर्स्ट ईयर एडमिशन का लिस्ट दिख जाएगा, फिर मिरिक का यहाँ पे सेकेंड ईयर का, अगर सेकेंड ईयर में एडमिशन के लिए फॉर्म भरे होते तो इस पर क्लिक कीजिए तो सेकेंड ईयर का लिस्ट आपको दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो कैंडिडेट का फॉर्म मिरिक का जो रिजेक्ट हुआ पॉलिटेक्निक का वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो ऐसा करके जो है आपका सारा कुछ देख लेना है और नीचे आपका सारा कुछ डेट आपको दिख जाएगा। फ्रेंड जैसे आप लोग मिरिक का डाउनलोड करेंगे तो मिरिक का भी यहाँ पे लिस्ट आपको दिख जाएगा, फर्स्ट ईयर का देखना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर का आप लोग क्लिक करना है पीडीएफ में, सेकेंड ईयर का देखना चाहते हैं तो सेकेंड ईयर में क्लिक करना है, और साथ ही साथ अगर थोड़ा नीचे आप लोग आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको डेट दिख जाएगा आपका सीरियल नंबर वाइज रैंक के हिसाब से आपका जो है एडमिशन होगा। देखिए 1 से लेकर 11 तक 7 सितंबर में होगा सुबह 11 बजे रिपोर्टिंग टाइम, फिर रैंक देखिए 12 से लेकर 25 तक वो भी 7 सितंबर में होगा सुबह 11 बजे से, फिर 26 से लेकर 41 तक 8 सितंबर को होगा सुबह 11 बजे से, और सारा कुछ डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है और पैसा भी कितना चाहिए यहाँ पे सारा कुछ देख सकते हैं, जो जो सर्टिफिकेट चाहिए स्क्रीन पे अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स का डिटेल्स है, और आप लोग एक बार जाने से पहले पीडीएफ को डाउनलोड करके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं अगर मुझसे कोई गलती हो तो आप लोग यहाँ पे सुधार सकते हैं आप लोग देख के। तो सीरियल नंबर आए आपको समझ आएगा कि आपका कितना सीरियल नंबर है, यहाँ पे आपको रैंक दिखिए जैसे 1 से 7 है ऐसा करके यहाँ पे सीरियल नंबर आपको दिख जाएगा, उस हिसाब से जो है आपको रैंक में रैंक के हिसाब से जाने 1 से लेकर 11 तक 7 सितंबर का है, तो यहाँ पे जितना भी कैंडिडेट है 1 से लेकर 11 तक वो 7 सितंबर में जाएगा, ये फर्स्ट ईयर के लिए है, ठीक है। जो मिरिक जो पॉलिटेक्निक है फर्स्ट ईयर के लिए है, सेकेंड ईयर के लिए अलग से लिस्ट आपको डाउनलोड करके देखना होगा।
तो इस वीडियो में इतना अपडेट था, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि मैं थोड़ा बाहर हूँ, गाड़ी यहाँ पे बहुत सारा गाड़ी है जिस वजह से थोड़ा आवाज़ आ रहा है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो चले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपडेट के साथ, और आप लोग जरूर ऑफिशियल उस समय आने का पीडीएफ को एक बार डाउनलोड कीजिए, अपने से चेक कीजिए, उसके बाद ही जो है आप लोग देखिए अच्छे से, उसके बाद ही चाहिए, ठीक है। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद फ्रेंड्स।